नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान। निकाय चुनाव जो है उसको लेके, टिकट को लेके सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सब जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबकी दावेदारियां हैं। अभी मेरे साथ में जो है रविंद्र जी राठौड़ साहब मौजूद हैं और ये भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इनको टिकट मिले। और ये जो है अभी जो है रायकाबाग जो है मंडल महामंत्री हैं भाजपा से, और उनके पिताजी जो हैं वो भी मंगराज जी राठौड़ जो है पूर्व जो है वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दावेदारियां प्रस्तुत तो काफी लोग करते हैं, मगर दावेदारी प्रस्तुत करने में क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनको टिकट दे। सर नमस्कार। सर नमस्ते। राजस्थान परिवार की तरफ से हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और जनता जानना चाहती है आपसे कि क्यों जो है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आज निकाय के चुनाव में, एज एन जो भी है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है उससे जुड़े हुए आप काफ़ी टाइम से हैं, और आप जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपके मैं वार्ड में घूमा हूँ तो लोगों ने हमें बताया कि आपने जनधन योजना, इसके अलावा अटल बिहारी पेंशन योजना और जो भी मोदी गवर्नमेंट की योजना है उज्ज्वला योजना, इसमें लोगों को बहुत सहयोग किया था। मतलब मोदी गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है उसमें जो है वो कहते हैं कि साहब भाई साहब के पास सदर राठौड़ साहब के पास चलते हैं। तो एक तो मोदी जी से खास लगाव है आपका, ऐसा सुनने में हमारे आया है, और वो कहते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कर्मठ कार्य करता है, ये चीज़ हमें मालूम पड़ी है। तो सर आप बताएं कि क्यों आपने अभी तक चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करा आप, हालांकि जो है आप पर एक बार से जो है एज एन मंडल जो है महामंत्री हैं, और अब आपने सोची चुनाव लड़ने की, तो पहला चुनाव है सर आपका? हाँ, ये मेरा पहला चुनाव है और मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, सिर्फ पार्षद बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जो जनता परेशान हो रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो जनता पिछले सालों में छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रही है, सीवरेज से लेकर रस्सी से लेकर, इस चीज़ के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी बात भी ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता ने, जो जनता अगर मेरे को चुनती है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं जनता के साथ रहकर, उनके दिल में रहकर उनका पूरा सहयोग करूंगा और छोटी मोटी जो भी सरकार की योजना आएगी उस योजना को लाभ दिलाऊंगा। और मोदी जी की जो भी योजना आई है, जैसे उज्ज्वला योजना, उसमें मैंने कम से कम 101 या 102 गैस कनेक्शन लोगों को दिलाए हैं। अच्छा। दूसरी उज्ज्वला जनधन योजना है, उसमें खाते खुलवाए हैं और लोगों को पेंशन दिलवाई है और लोगों को कैंप लगवा के यहाँ जनधन के खाते खुलवाए हैं। तीसरी जो योजना है प्रधानमंत्री योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बीमा योजना के अंदर मैंने एक तो 12 रुपए वाला और एक 330 वाला, उसमें 12 रुपए वाले में अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का बीमा है, 330 वाले में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 2 लाख का बीमा है। उसमें हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर जो कच्ची बस्ती पड़ती है, कच्ची बस्ती में लोग इतना समझते नहीं है, तो मैंने उनको घर घर जाकर सारी योजना के बारे में, मोदी जी की जितनी भी योजना के बारे में उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और मैं चाहता हूं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुन के आए और जनता का दिल में काम करे। और आप ये बात आप में है कि आपके, हालांकि वार्ड में जो भी नया वार्ड बना है 69 वार्ड जो है, उसमें पहले जो वार्ड था आपका 43 नंबर वार्ड था, लोगों की कुछ जगहों पर जो है एजुकेशन लेवल कम है, तो इसलिए जो है उनको शायद थोड़ा समझने में कष्ट होता है। और सरकार की योजना, हालांकि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से सरकार जो है अपनी योजनाओं का जो है प्रचार प्रसार करती है कि जनता तक वो जो है योजनाएं पहुंचे और लोगों को समझ में आए, मगर हाँ शायद कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको जानकारी कम होती है, और वो लोग जो है कुछ बैंक में जिस हिसाब से ये योजना आई थी, जैसे आप बता रहे पेंशन योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना आई या जो है जनधन खाते खुले, तो उस समय रश भी काफी था तो लोग अपने चीजें समझ में आए, तो उस समय आपने हालांकि काफी लोगों को मदद करी, तो ऐसा क्यों है कि आप जो सोचते हैं कि भी मेरे को जो है आगे आगे काम, हालांकि आपके जो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है वंदना राठौड़ हैं जो आपके ऑलरेडी पार्षद हैं, तो वो टिकट आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, क्या पता उनको रिपीट टिकट दें और ये आपको देंगे, ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस बार टिकट की आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि
जो मैंने पिछले 10 साल में काम किया, और मेरे पिताजी सन 1990 से जुड़े हैं नगराज जी राठौड़, और उनका भी कामकाज और मेरा भी कामकाज, तो इस देख के जनता खुद चाहती है कि आपको टिकट मिले और हम आपको मतलब भारी जीत दिलाएं। तो मतलब जनता की मांग है, आपके जो वार्ड के लोग हैं वो आगे आकर के कह रहे हैं कि भी आप चुनाव लड़ें, ऐसा मैं समझूं इस बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता चाहती है कि आप मैं चुनाव लड़ूं। तो मतलब लोग आपके पास आते हैं कि सर हमारा ये काम करा दीजिए, ये योजना समझ में नहीं है हमें बताएं, तो आप चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से आप चुनाव जीतेंगे तो आपके लिए वो काम करना थोड़ा आसान रहेगा। सबसे बड़ी बात है देखो, निगम की जो आज कांग्रेस ने जो रवैया बना रखा है, मैं आपको एक छोटी मोटी चीजें बताता हूँ कांग्रेस की। जैसे सीवेज की जो सफाई की जो गंदगी बाहर निकालते हैं ना, उस गंदगी को लोग बाहर निकाल के उसको रखते हैं और कहते हैं कि हम इसको कल उठाएंगे। अरे कल क्यों उठाएंगे यार, हाथों हाथ उठाओ ना। आज लोगों को बीमारी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज निगम का जो रवैया आज 70 सालों से इन्होंने कर रखा है, मैं सारे चेंज कर दूंगा। जो भी सीवेज की समस्या है, जो भी सीवेज का कचरा है, वो हाथा तोड़ना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, छोटे मोटे काम जो लोगों के साइन होने चाहिए, ये और भी कोई तरीके काम होना चाहिए, चाहे लाइट पानी बिजली। जैसे मान लो वार्ड के अंदर क्षेत्र के अंदर लाइट बंद है और किसी ने कह दिया साहब 545 नंबर लाइट बंद है, तो मैं तुरंत प्रभाव से फोन करता हूँ निगम से और 545 नंबर लाइट की तुरंत कल नहीं तो परसों हो जाएगी। मगर अभी तो निगम जो है भारतीय जनता पार्टी का ही है। नहीं, निगम तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कुछ कारणवश जो कर्मचारी है वो सुनते नहीं है। अच्छा। उसको आदत डाली नहीं है। मैं ऐसी आदत उनकी डालना चाहता हूँ कि हर एक कर्मचारी को रोज एक वार्ड का क्षेत्र का चक्कर लगवाऊंगा और जाके कहूंगा रात को जाओ जो लाइट बंद है उसके नंबर मेरे को लाके दो, ताकि उस लाइट को अपन कल चालू करा सके। ये छोटे से छोटे काम पार्षद को करना चाहिए, और मेरा जनता से और भारतीय जनता पार्टी से यही मैं कहूंगा कि मुझे मौका दें और मेरे को अपने काम करने की क्षमता दिखाएं। मतलब आपका निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको दें और जीत जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो है पिछले साल जीती है, तो इस बार पिछली बार जीती है तो इस बार भी जो है जीत दर्ज करेगी ऐसा आपको लगता है, तो आप चाहते हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से सामने आएंगे तो चीजें जो है आपके लिए आसान होगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव अभी जो चुनाव होंगे निकाय के उसमें हावी रहेंगे? मतलब ये भले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है जो भी या जो भी निर्दलीय लड़ेंगे, तो उनमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के लिए अभी जो है मेन मायने रखते हैं? सबसे बड़ा तो मैं आपको सबसे पहले ये बात ही कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र लगता है सरदारपुरा विधानसभा। सरदारपुरा विधानसभा में हमारे सीएम अशोक जी गहलोत साहब जी आज चौथी या तीसरी बार यहाँ से जीते हैं। उनका भी कर्तव्य बनता है कि जहाँ मेरा क्षेत्र लगता है मैं उस क्षेत्र में जाके देखूं कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को सीवेज का काम करना है या और कुछ काम करना है, जनता किससे परेशान है। पार्षद जैसे वंदना जी ने कई जगह रोडें बनाई हैं, कई जगह सीवेज समस्या की है, लेकिन हमारे पृथ्वीपुरा क्षेत्र के अंदर पिछले 3 महीने हो गए सीवेज की समस्या है, और उस सीवेज की समस्या को शायद अमृत योजना में लेके उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। रही बात वंदना जी की, कई जगह काम करवाए हैं और लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से कई बार पार्षद से हो जाता है, लेकिन मैं वंदना जी करना चाहती हूँ लेकिन किसी कारण से कुछ चीज़ें नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वरना जी करेंगे तो अच्छी बात ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोड़ा उनमें नहीं है, लेकिन सिस्टम जो चेंज है ना, चेंज करना चाहिए, उन्होंने चेंज नहीं किया, सिस्टम चेंज करना चाहिए। तो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं जिससे कि लोगों के लिए जो है चीज़ें आसानी से हो पाए, ऐसा आप चाह रहे हैं। लेकिन एक बात है, जो अभी आपका जो नया वार्ड है वो वार्ड 69 है, पुराना वार्ड 43 था, तो ये बदलाव जो अभी हुए हैं इस बदलाव का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बदलाव में चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब कुछ जातिगत जो मतलब या तो कुछ क्षेत्र बदले होंगे, कुछ जो है वो मतदाता बदले होंगे, कुछ धार्मिक या जातिगत समीकरण बदले होंगे, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप ये मेन डिफरेंस कहाँ आएगा? ऐसा है कि जो अभी हमारा क्षेत्र है रायकाबाग पृथ्वीपुरा और हाथियों की बावड़ी जी, और यहाँ से आज तक जिसने सीट निकाली है बीजेपी से तो ओबीसी का निकाला है और कांग्रेस से निकली तो ओबीसी। अच्छा। एक टाइम अनिल जी हमारे गौड़ साहब उन्होंने सीट निकाली थी, लेकिन यहाँ से अगर बीजेपी का जो भी उम्मीदवार अगर होता है तो ओबीसी का ही सीट निकालेगा। अच्छा। रही बात दूसरी बात, जो क्षेत्र है हमारा वैसे तो ओबीसी क्षेत्र है यहाँ से, और हाथियों की बावड़ी रायकाबाग और पृथ्वीपुरा ये हमारा क्षेत्र है। अच्छा। तो रविंद्र जी राठौड़ साहब एक बात है आपको,
कि समस्याएं काफी सारी होती हैं, हर बार जो है चुनावी वादे होते हैं कि हमें आप जिताएं और उसके बाद ये करेंगे। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कि साहब अशोक गहलोत जी का जो क्षेत्र है उसमें ये होना चाहिए, तो लोगों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बना के भेजा साहब, तो मतलब उनमें कुछ दम है तभी तो इतना लेवल पे काम हुआ है। और अभी चुनावी वादे जैसे आप कर रहे हैं कि आप हम आएंगे तो ये करेंगे करेंगे, तो उसको जनता क्यों माने और किस लिए माने कि भी आप वो काम करवा पाएंगे जनता का? जनता इसलिए मानेगी कि मैं पार्षद नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं लोगों का काम करता हूँ और उसके तह तक जाता हूँ। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे PHED हो गया, बिजली विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, आप जहाँ भी जाओगे आप कहोगे साहब वार्ड नंबर 43 में किसका फोन आता है, वो बोलेंगे रविंद्र राठौड़ का। किस वहाँ पे PHED किसका फोन आया था, रविंद्र राठौड़ का। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि आप पार्षद के पास जाओ, मेरे पास जनता कोई भी काम लेके आती है, मैं उस काम को पूरा करता हूँ और उसके तय तक जाता हूँ और उसको उस काम को पूरा करता हूँ। और आपका जैसे आपका जो बिजनेस है, आपका मेडिकल का जो है वो शॉप है, तो आपका वो होता है कि 10 से लेके सुबह 10 9 10 बजे से लेकर के और आप रात तक लेट नाइट तक यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो आदमी के लिए किसी घर जाना थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन दुकान पे मिलना आसान होता है। ये आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं और कुछ टाइमिंग आपने बना रखे हैं, हालांकि पिताजी भी आपको सहयोग करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो भी संबंधित हैं काफी समय से और जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़े हैं, तो इसलिए काम करना एज एन परिवार में दो जने होने से थोड़ा काम आसान हो जाता है और समझने और सीखने की भी जो है वहां से मतलब प्रेरणा भी कैसे पिताजी से जो प्रेरणा मिलती है या गाइडेंस मिलती है या मार्गदर्शन मिलता है उससे आपके लिए काम करना कितना आसान हो जाता है। आज मैं इस मुकाम पे जो पहुंचा हूं तो मेरे पिताजी की वजह से और एक मेरे बड़े मित्र के दो भाई के दो अजीज के दो वो एडवोकेट पंकज अवस्थी जी जी तो मुझे बहुत ही पुष्ट करते हैं और मुझे छोटे भाई की तरह रखते हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा रखा और कहा कि आप चुनाव लड़ो और आप जीतोगे, तो उनका भी मुझे उनका आशीर्वाद बहुत है मेरे को। तो मैं चाहता हूँ अगर जनता मेरे को चुनती है या भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं आपको 100% तो नहीं, मेरे को 95% कहता हूँ जनता मेरे से संतुष्ट होगी। अच्छा, ये मतलब जो है रविंद्र जी कह रहे हैं कि जीतना जो है वो एक मायने अलग रखता है, लेकिन हाँ जनता संतुष्ट होगी इनसे कि अगर ये लोग इनके पास आएंगे ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये एक अलग सी बात आपने कही। जो लोग बोलते हैं हम 100% जीतेंगे, आपने कहा जनता मुझसे संतुष्ट होगी, मतलब जनता आपके पास आएगी तो खाली नहीं लौटेगी, उनका कुछ ना कुछ काम आप जो है वो करवाएंगे। अच्छा एक बात बताएं, आप एक मैं अब इसको आपसे इंटरव्यू क्लोज करूंगा, मगर मैं चाहता था दो तीन सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर आप लगता है कि आप जो है अगर आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो आपको क्या लगता है कितने वोटों से आप जीतेंगे? उम्मीद मतलब आपकी उम्मीद हर आदमी की उम्मीद होती है। मैंने जो तैयारी की है वो बारीकी से की है और सब वोटर लिस्ट मैंने फोटोकॉपी कराई है और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 2000 वोटों से मैं प्लस रहूँ। मतलब कितने परसेंट वोट है जो है आपकी शेयरिंग, आप मान लीजिए परसेंट वोट, मतलब 100% में से कितने परसेंट वोट आपको पड़ेंगे? 100% में से मैं 40% 50% वोट 40-50% जो है वोट आपके मतलब जो है सिंगल साइड पड़ेंगे, बाकी उसके अलावा जो वोट पड़ेंगे वो जो है निर्दलीय और दो तीन निर्दलीय और बाकी दो तीन जैसे निर्दलीय खड़े होते हैं हर बार, और इसके अलावा जो है कांग्रेस होगी। तो ये हमारे साथ में थे रविंद्र जी जो अपने जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको जो है वो टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, मगर हाँ ये बात है कि इनकी दावेदारी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जैसा हम इनके क्षेत्र में गए थे तो लोगों ने हर जो है पार्षद जो भी फाइट कर रहे हैं उनका अपना अपना क्षेत्र है, ये पृथ्वीपुरा और जो ये सरकोड वाला एरिया है इसमें काफ़ी लोगों ने इनको जो है समर्थन दिया, और हमें अभी हम आए थे उस समय भी कुछ लोग इनके साथ में मौजूद थे और ये व्यस्त थे। तो आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान, ऐसे ही जो है हम आपको जो है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे पर्सनली मिलते रहेंगे और उनके बारे में आपको बताते रहेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब करते रहेंगे। देखते रहिए आप नमस्ते राजस्थान। धन्यवाद।